13 अक्टूबर को जापान के पास समुद्र में डूबे भारतीय मालवाहक जहाज से 16 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन मुंबई के पास विरार के रहने वाले जहाज के कैप्टन राजेश नायर समेत 10 लोग अब भी लापता हैं। हाथ में बेटे की तस्वीर लेकर बैठी ये कैप्टन राजेश नायर की मां है। कैप्टन राजेश की सलामती की दुआ कर रही उनकी मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। राजेश की पत्नी भी बेसुध है। कैप्टन राजेश के छोटे बच्चे कभी दादी को तो कभी मां को बस रोते देख रहे हैं। एमरल्ड स्टारशिप के कैप्टन राजेश नायर का जहाज 13 अक्टूबर को जापान के पास प्रशांत महासागर में हादसे का शिकार हो गया। हादसे की खबर सुनकर मुंबई के विरार में राजेश के परिवार में सन्नाटा पसरा है। जहाज में सवार 16 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कैप्टन राजेश नायर समेत 10 लोग अभी भी लापता हैं। दरअसल ये जहाज जापान इंडोनेशिया से केमिकल लेकर चीन जा रहा था, लेकिन अचानक बीच समंदर में जहाज डूबने लगा। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लापता 10 यात्रियों को बचाने के लिए जापान में भारतीय दूतावास की मदद से राहत का काम चल रहा है। एक हेलीकॉप्टर और 2 मोटरबोट के जरिए कोस्ट गार्ड की टीम तलाश में जुटी है। कैप्टन राजेश नायर का परिवार सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।